दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 11 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली सूचना यहां पर आप लोग देख सकते हैं PCSJ की भर्ती के बारे में। कल इसका विज्ञापन जारी किया गया था और कल से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कुल 303 पद यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं, तो देखेंगे क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा जज परीक्षा 2022 के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। PCSJ 303 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन शुल्क आप लोग जो है यहाँ पर 6 जनवरी तक जमा कर सकते हैं और फाइनल फॉर्म जो 10 जनवरी तक यहाँ पर आप लोग सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, वो देखिए आप लोग, कि जो अभ्यर्थी 19, 20, 21 में एलिजिबल थे लेकिन 22 में अगर वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो वो भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। देखो सबसे ऊपर टॉप में दिया गया कि 2019, 20, 21 की परीक्षा में शामिल होने के पात्र अभ्यर्थी भी कर सकेंगे यहाँ पर आवेदन। तो वैसे यहाँ पर आवेदन करने की जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष अधिकतम निर्धारित है, ठीक है। बाकी में 40 वर्ष होते हैं लेकिन इस भर्ती में 35 वर्ष यहाँ पर है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की अभ्यर्थी है उनको जो ऊपरी आयु सीमा में छूट है उसको भी लाभ मिल सकता है। और इसमें जो है काफी कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसमें मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए 9 अधिनियम आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में जो इसकी जानकारी विस्तार से दी गई है। RN राय ने बताया कि प्री और मेंस दोनों के पाठ्यक्रम में 9 अधिनियम को शामिल किया गया है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 और काफी कुछ यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के इसका डिटेल्ड आप जो है वीडियो देख सकते हैं, मैंने कल इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो देख करके सारी चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो आप लोग जानते होंगे स्नातक में आप काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। स्नातक के जो कोर्स आएंगे तो वही बताया गया कि UG के 4 वर्षीय नए पाठ्यक्रम में किताबी शिक्षा के साथ क्षेत्र के अनुभव और सीखने की प्रवृत्ति पर बड़ी खास जोर दिया जा रहा है। UG सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क लर्निंग इंटर्नशिप से गुजरना होगा। नए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में इस बात की जानकारी दी गई कि जो छात्र पहले 2 सेमेस्टर के बाद निकलना चाहते हैं उन्हें UG सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आप लोग जानते हो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे देश में 4 वर्षीय एक ऐसा कोर्स बनाया जा रहा है जिसमें जो है आपको यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट के आधार पर आप जो है आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और सिलेबस वगैरह में काफी कुछ बदलाव होंगे। अभी तक ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप नहीं करना पड़ता था, अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि स्नातक में इंटर्नशिप भी करना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपको अभी तक किताबी ज्ञान दिया जाता था, अब यहाँ पर फील्ड वर्क का ज्ञान भी आपका यानी प्रैक्टिकल ज्ञान भी एक तरीके से करवाया जाएगा। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर बदल रही, आने वाले टाइम पर ये सारी चीजें लागू होंगी। बात कर लेते हैं हम लोग सीटेट को लेकर। तो आप लोग जानते हैं सीटेट में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परीक्षा की दिसंबर और जनवरी के महीने में होनी है। तो यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से अपडेट किया गया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में होगी, जाने प्रवेश पत्र पर क्या अपडेट है। तो यहाँ पर बताया गया कि CBSE द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित CBT मोड में 2 पालियों में करवाई जाएगी, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये पूरा मामला कि सीटेट जो होता है जितनी भी केंद्रीय वैकेंसी होती है शिक्षक भर्तियों उन सभी में मांगा जाता है, साथ में इसका जो बेनिफिट अपने राज्य में भी UPTET या अन्य जो स्टेट है उनकी तरह भी ले सकते हैं। तो इस बार जो है टाइम काफी कम मिल रहा है आपका, अभी हाल ही में इसके फॉर्म फिलअप क्लास डेट खत्म हुई है, करेक्शन वगैरह भी हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो है एग्जाम डेट के लिए अभ्यर्थी परेशान है। तो वैसे देखा जाए तो सीटेट की कोई भी अभी ऑफिशियल जो डेट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन नोटिफिकेशन में ये बात कही गई कि परीक्षा आपकी दिसंबर और जनवरी के महीने में करवाई जाएगी। तो अगर लास्ट दिसंबर से भी परीक्षा शुरू होती है तो बहुत ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है,
आप लोग जम के तैयारी करिए और यहाँ पर जो है अपना एग्जाम क्रैक करिए। बाकी एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि जैसे ही एग्जाम डेट जारी होती है तो उसके एडमिट कार्ड की भी सूचना आ जाएगी, तो आप लोग सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट की पूरी ऑफिशियल जो अब सिलेबस है उसके अनुसार प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कम समय में कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक और शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखो आप डेटा की शिक्षक भर्ती के लिए दो तक करें आवेदन। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं एडीसी में, ठीक है, एडीसी कॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है। और अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 10 जनवरी तक अभ्यर्थी जमा कर पाएंगे। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 1550 रुपए है, वहीं एससी एसटी के लिए 800 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है। आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 24 विषयों में 132 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं, तो आवेदन शुरू है 2 नवंबर तक, जो 2 जनवरी तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं कि प्राविधिक शिक्षा निदेशक के 42 पदों पर भर्ती जल्द। UP SSC ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कर्मशाला अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के 11 और अनुदेशक लौह कला के 31 पदों में भर्ती के इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री के लिए 20 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। पहली पाली में 10 से 1:30 बजे के बीच करवाया जाएगा। दोनों पालियों में 33-33 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कटाव 67.18 और एससी का कटाव 57.97% यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल ये दो प्रकार के भर्तियां हैं, ठीक है, तो इसके लिए 2 नोटिस कल लोग से UP SSC द्वारा जारी की गई है, आप लोग जो चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में अपडेट है कि BFA और BCOM का नया कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BFA और BCOM में दाखिले के लिए शनिवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया। इन दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया 11 दिसंबर को सुबह 1:30 बजे से शुरू होकर 12 दिसंबर को 11:30 बजे तक चलेगी। आगे की प्रक्रिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस प्रक्रिया के तहत जो है अपना जा सकते हैं। अंत में देखो यहाँ पर अपडेट है कि मुख्यमंत्री बनाने को विधायक दल के नेता तय, दोनों राज्यों में सरकार गठन की तैयारी तेज। आप लोग जानते हैं कि इस समय अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो गुजरात में भूपेंद्र और हिमाचल में सुक्खू को जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल सोमवार को शपथ लेंगे। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो शपथ ग्रहण समारोह है आज संपन्न करवाया जाएगा संडे को। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।